इतिहास से इन्होंने क्या क्या किया होगा मैं नहीं जानता, कि इनको तो हर मुस्लिम इमारत में मंदिर नज़र आएगा, और मंदिर से पहले बौद्ध विहार भी थे, इनको याद दिलाते कि बौद्धों पर जो हमला किया गया तो शंकराचार्य से लेके हिंदू जो वैष्णव और सैव, ये हिंदू कब से बना है, कौन हिंदू का पता करिए, और उनके पास जितनी संपत्ति है उसकी जांच करिए, किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से ये जांच करेगा, आपको पता चल रहा है किस किस के पास अवैध है, मतलब जो राजनीतिक रूप से आपके विरोधी हैं आप उन्हीं पर विंडोज चलाएंगे, और ये बहुत साफ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद जांच करेंगे आपको पता चलेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकारी सिर्फ सच बोलती है, बाकी सब झूठ बोलते हैं, हम और आप और तमाम ऐसे लोग जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार इस बहाने ये देखने की कोशिश कर रही है कौन हमारी आलोचना कर रहा है, उस पर ये टारगेट कर रहे हैं। देश में हालात हैं उसके खिलाफ हैं, जिस तरीके का देश में हिंदू मुस्लिम लड़ाने का जो कोशिश है कुछ खास संगठनों के द्वारा, उसके खिलाफ हैं हम। अमन चेंज चाहते हैं, जैसे 2014 या उससे पहले लोग शांति से रहते थे, मुसलमान अपना अजान अदा करता था, नमाज पढ़ता था, हिंदू अपनी पूजा अर्चना करता था, उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। लेकिन जो अवैध होगा तो तोड़ा जाएगा ना? नहीं, अवैध क्या अवैध है, सिर्फ गरीबों का ही चीज़ अवैध है, कुछ खास लोगों की चीज़ें अवैध है। यूपी में आप बुलडोजर चला रहे हो, किनके खिलाफ चला? आपका समर्थक नहीं है, गुंडा माफिया आपके साथ है तो वो ठीक, आपके खिलाफ है तो वो गुंडा माफिया। भाई बीजेपी के लोग अगर कब्जा नहीं किया हुआ है देश में जमीनों पर, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, एक एमएलए से लेके एमपी से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके जो तमाम लोग हैं उनकी आय कितनी है और इनके पास जमीन जायदाद कितनी है। बीजेपी के साथ आप पूरे देश में जो भी पैसे वाले हैं उनके आय का स्रोत का पता करिए, और उनके पास जितनी संपत्ति है उसकी जांच करिए, किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से ये जांच करेगा, आपको पता चल रहा है किस किस के पास अवैध है, मतलब जो राजनीतिक रूप से आपके विरोधी हैं आप उन्हीं पर विंडोजर चलाएं, और ये बहुत साफ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद जांच करेंगे आपको पता चलेगा। आपने कभी आवाज़ उठाई इसके लिए सर? हम लोगों की सीमित आवाज़ है, कौन हमारी आवाज़ दिखाए? अभी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस तरीके के ये लोग देश के अंदर जो माहौल बनाया है उस माहौल के खिलाफ हम आए हैं, आप लोग आ गए तो शायद कोई सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। टाइम से खराब है, आप तो बहुत लेट आए। नहीं, हम लोग लगातार आ रहे हैं, हमने JNU भी देखा, 9 फरवरी भी देखा, उसके बाद दिल्ली में जो CNRC भी देखा, दिल्ली में दंगे भी हो गए सर, हाँ वो फरवरी 2020 भी देखा, तो कैसे जो प्लानिंग की जा रही है, उस प्लानिंग के पीछे कौन है, उससे क्या फ़ायदा है, बहुत साफ साफ अगर आप देखेंगे तो इससे न तो नौकरी कोई मांगेगा, न शिक्षा मांगेगा, न जो कोरोना में मरे अस्पतालों की बात करेगा, जो पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स है नीचे से लेकर ऊपर तक, गरीबों की इलाज की कोई गारंटी नहीं है, कोई सवाल ही नहीं करेगा, कोई महंगाई पर नहीं बन, नाकामियों को छुपाने के लिए, दरअसल सच बात है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। अब हिंदू मुस्लिम करोगे तो हम नौकरी नहीं मांगेंगे ना भाई, भाई हिंदू मर रहा है मुस्लिम मर रहा है हम इसको बचाएंगे, तो मुसलमान होंगे कि भाई इन्होंने मारा और हिंदू होंगे कहेंगे इन्होंने मारा, यही लड़ाई होगी, और जो सच भी होगा एक तरीके से, एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत फैला दो कि एक साथ गरीब इकट्ठे हो ही नहीं। तो ताजमहल में मंदिर बता रहे लोग, आपको नहीं चाहिए भाई? ये लोग पढ़े लिखे लोग, इतिहास से इन्होंने क्या क्या किया होगा मैं नहीं जानता, कि इनको तो हर मुस्लिम इमारत में मंदिर नज़र आएगा, और मंदिर से पहले बौद्ध विहार भी थे, इनको याद दिलाते कि बौद्धों पर जो हमला किया गया तो शंकराचार्य से लेके हिंदू जो वैष्णव और सैव, ये हिंदू कब से बना है, कौन हिंदू? भाई यहाँ तो लोग जातियों में बटा हुआ है, हिंदू वर्ण व्यवस्था के नाम पर आप क्या थोपना चाह रहे हो? चमारों से आप जूता गढ़वाना चाह रहे हो? भंगियों से आप मेला डुबाना चाह रहे हो? धोबियों से अपने कपड़े डुबा रहे हो? अपनी सेवा करवाना चाह रहे हो? कैसा हिंदू? ऐसे हिंदू को हम नहीं मानते जो बर्बर छुआछूत जैसी व्यवस्था पर आधारित, ऐसी वर्ण व्यवस्था को मैं नहीं मानता, जिसको मानना है मानो, कैसे साजिशन इस वर्ण व्यवस्था को दोबारा लागू करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मतलब राज कहलाएगा तो उसमें तो सभी लोग होंगे ना? नहीं नहीं, उसमें ऐसे ही होगा, ब्राह्मण ज्ञान देगा, ठाकुर राज करेगा, बाकी सेवा करेगा। राम राज्य में, राम राज्य तो यही है ना भाई, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का तो यही मतलब है कि खास जाति में पैदा होने वाला श्रेष्ठ होगा, ज्ञानवान होगा, बाकी अज्ञानी होंगे। सर कौन सा आदेश कर रहा है सर? संविधान लागू है, सब बराबर है। संविधान को बातचीत का मजाक बना रहे हैं ये लोग, संविधान का कौन मजाक बना रहे हैं? क्यों मजाक नहीं, व्याख्याएं जिस तरीके से हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके का हिंदू मुसलमान कराने का कोशिश कर रहा है, कौन लोग कर रहा है, क्यों कर रहा है? नहीं, कोर्ट में तो जज बैठे हैं, करने की कोशिश की, मगर नीचे लाऊ अगर ये होने देंगे तब ना, सरकार तो इनकी है,
ये अंतर विरोध बढ़ रहा है, सरकार कोर्ट से ऊपर है और बीजेपी भाई सरकार तो धमका रही है। किरण रिजिजू जी के स्टेटमेंट लीजिए, क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू जी, आपने सुना होगा। उससे पहले रविशंकर जी थे जो बिहार के कानून मंत्री थे, ये सब वकील है, जानते हैं। फर्क है बीजेपी के हिंदुत्व में और सामान्य हिंदुत्व में। हिंदुत्व का सीधा मतलब है लोग अपने धार्मिक आस्था के साथ अपना पूजा अर्चना करें, अपना जिंदगी जिए, जो उसकी आस्था है उसको निर्वहन करें, उसमें जो रुकावट आ रही है उस पर सरकार कार्रवाई करे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे दूसरे धर्म के लोग, उनकी अपनी आस्था है, अपने जो धार्मिक स्थल वहाँ जाए, अपना जो दिनचर्या उसके हिसाब से अपना काम करें। बाकी जो गरीब मजदूर किसान है वो अपने काम पर जाए, जो वास्तविक सवाल है लोग उस पर आए। ये है इनका मेन नैरेटिव, हिंदू मुस्लिम आपस में किया जाए और वास्तविक सवालों से। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है तो आस्था का सवाल उठता है कि आस्था भाई आस्था किसी एक धर्म की नहीं है, आस्था दूसरे धर्म की भी है, मगर एक आस्था पर, एक धर्म की आस्था पर ही क्यों ज्यादा जोर दिया जाए, जो कि धर्म कितनी विविधतापूर्ण धर्म है। भाई दलित नहीं मानते हैं, जब हिंदू है उनके रहन सहन, उनका खान पान, उनकी जीवन पद्धति अलग है, ये बात समझ लो। कांचा लाइया प्रोफेसर करके हैं, उन्होंने लिखा आई एम नॉट हिंदू, मैं हिंदू नहीं हूँ, क्योंकि भाई हिंदू मतलब ब्राह्मण मलाई खाएगा, सेवा कराएगा और दलित सेवा कर। 80% की बात कैसे हो जाए? देखिए भाई, वो चेतना का मामला है, दूसरा मामला ये हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरी बात इलेक्शन कैसे होता है वो देखिए आप। नहीं नहीं, मेरा सवाल है जब इलेक्शन होते हैं तो यही लोग 80% की बात करते हैं। नहीं देखिए, 80 और 20 का आंकड़ा चलता है। इलेक्शन के समय आप देखेंगे कि इलेक्शन में किस तरह से वोटिंग होता है और कैसे उनको हिंदू बनाया जाता है, और इलेक्शन में जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी में है देश, मैं नहीं मानता, कितने लोग वोट किया, वोट में सरकारी मशीनरी का उपयोग, फर्जी चंदे का, हाँ सरकारी मशीनरी का इन्होंने अपने वोट में उपयोग किया बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, और सरकारी चंद जो चंदा इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, ऑडिट नहीं किया, उस चंदे का इलेक्शन में उपयोग, और दूसरे पार्टियों पर नकेल कसना, उसको उतना स्पेस नहीं देना, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करना, चुनाव कोई फेयर नहीं हो रहे हैं इस देश के, मतलब दिखाने के लिए भले हो, मगर जो चुनाव के पीछे का जो खेल है वो खेल एक है जो धीरे-धीरे सामने ऐसा हो जो चुनाव फेयर हो जाए। भाई सारी पार्टियों को भरोसा हो, जैसे अखिलेश यादव ने बाद में बोला था कि भाई ईवीएम का गड़बड़ है, बाद में क्यों बोलते हैं, पहले नहीं पता होता ईवीएम से चुनाव, नेताओं की गलती है, एक मुश्त बिना ईवीएम के इलेक्शन की बात करें, ईवीएम के इलेक्शन हो तो उसमें भाग न लें, अगर इनको ईवीएम से दिक्कत है, जो भी अपोजिशन के लीडर है, मेरा भी ये मानना है कि अगर ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है और आपका विश्वास नहीं ईवीएम पर, तो आप सारी पार्टियां एक होकर बोले कि हम ईवीएम में इलेक्शन नहीं चाहते, सीधी सी बात। ठीक है, किसी का कोई और सवाल? सर मीडिया को लेके क्या कहना चाहते? मीडिया में तो आप लोग जानते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें किसका पैसा है और वो किसके लिए माहौल बना रहा है, किसके खिलाफ है। तो जिसका पैसा है उस पैसे वाले की दुकानें चले, उनका धंधा पानी चले, इसके लिए माहौल बनाया जाए। लाउड स्पीकर की आवाज को लेके आवाज उठाई जा रही है, दबाने की बात कही जा रही है, तो एक ऐसा मामला है जी कि लोग चाहें तो उनकी अपनी आस्था का मामला है, अगर वो लाउड स्पीकर से ना कल दिक्कत थी ना आज दिक्कत, एक खास तरीके की राजनीति करने वालों को दिक्कत, पहले से चलते हैं। हाँ वो पहले से ही चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, मंदिर है हनुमान चालीसा पढ़ो, मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ो, कहाँ से अपनी पढ़ने जाने पथराव कर दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये झूठ बात, ये जहांगीरपुरी में देखा होगा, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपको सच पता होगा क्या कि ये प्रोवोक कर रहे हैं जाके, और अब मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ोगे ये तो बहुत शर्म की बात, हनुमान चालीसा है, हनुमान मंदिर है या दूसरे मंदिर वहाँ जाके पढ़िए, कोई रोकता नहीं। सर प्रवोक कर रहे हैं, वैसे ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, ऐसे और ताजमहल का मामला चल रहा है, जब भी इलेक्शंस होंगे उसके लिए धीमी आज पे खिचड़ी पकाना चाहते हैं कि लोग हिंदू मुसलमानों के सवाल पर उलझे लें, नौकरी और बेरोजगारी और तमाम सवालों पर ना आए, इसी आधार पर वोटिंग हो, ये नैरेटिव ये लोग जानबूझ के गढ़ के रखना चाहते हैं, उनको ना मस्जिद से मतलब ना मंदिर से मतलब, इस बहाने लोग आपस में बटे रहे और इनको वोट करते रहे, अपने आप को खतरा महसूस करते रहे, जिससे जनता को कुछ देना नहीं पड़ेगा और कुर्सी भी आराम से मिल जाएगी, इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम बीजेपी के लोग खामोश है, क्योंकि इस खामोशी से उनको सत्ता मिल रही, गद्दी मिल रही, और साफ महसूस, ये लोग तो बोल रहे हैं कि 3000 इन्होंने मस्जिदें चिन्हित किए या मंदिर, मतलब हर हर मस्जिद के नीचे मंदिर है क्या? भगवान तो कड़कड़ में बसता है जैसा कहा जाता है सभी घर, तो भाई वो मस्जिद के नीचे ही आप भगवान क्यों खोज रहे हो? दूसरे लोगों को अपना धर्म करने दो, अगर मस्जिद वगैरह को ये लोग तोड़ते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी उस पर कार्रवाई करे, जो लोग ऐसा करते हैं फायदा है सब चीजों से तो उसकी कार्रवाई करे। ये ट्रेजडी, ये ट्रेजडी सर, जिनको बचाना चाहिए था वो लोग खुद जाके ये काम करवा रहे हैं। सर आप एक
सभा से आते हैं जी सर, क्या मस्जिद से अजान होती है लाउड स्पीकर में, आपको उससे परेशानी है या नहीं है? भाई देखिए, हमको कोई परेशानी नहीं है, वैसे बहुत सारे अजान होता है, बहुत सारे दुर्गा पांडाल वगैरह लगते हैं, पूजा पढ़ते हैं, ये शिव ये सावन के महीने में कांवर वाले अपने ढोल नगाड़े बजाते तो बजाए इन लोगों का अपना, वो कुछ दिक्कत होता होगा लोग कह देते होंगे, बहुत पर्सन कभी कभी कुछ हो गया, मगर ये ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर समाज बढ़ जाए और बहस, बहुत ये वैसा मसला। ये कौन लोग है जो विरोध कर रहे हैं? ये आरएसएस बीजेपी के लोग। वो चाहते क्या है सर? वो कुछ नहीं चाहते हैं कि लोग आपस में बटा रहे और हम अपना शासन करते रहे, एक दूसरे को लड़ाते रहे, जाने लेते रहे, ये इनकी राजनीतिक काम करने की प्रवृत्ति है कि धार्मिक रूप से समाज को बांटे, जिससे आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लोग ना ना वो सवाल करें, ना छुआछूत का सवाल करें, ना भेदभाव का सवाल करें, ना महंगाई का सवाल करें, ना बेरोजगारी का सवाल करें, ना शिक्षा का सवाल करें, ना स्वास्थ्य का सवाल। ये आश्चर्य की बात, ये WTO का एक संस्था, वो 45 लाख लोगों की हत्या बोला कि ये कोरोना के दौरान जो लोग मरा, कोई रिकॉर्ड नहीं, और लोग फिर झूठ बोल रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकारी सिर्फ सच बोलती है, बाकी सब झूठ बोलते हैं, हम और आप और तमाम ऐसे लोग जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सरकार इस बहाने ये देखने की कोशिश कर रही है कौन हमारी आलोचना कर रहा है, उस पर ये टारगेट कर रहा है, आने वाले समय में जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर ये लोग ये तमाम काले कानून बना के रखे, उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि डर से, डर का भी लोगों में डर खत्म हो जाएगा तब आप क्या करें भाई, हम कब तक डरेंगे, कब तक डर के जिएंगे, डर का भी तो एक दिन डर खत्म होगा, फिर आपको क्या होगा? जो लंका में हुआ, लंका में भी ऐसे ही खेल खेला जा रहा था, महंगाई बेरोजगारी चरम पर थी, बाद में प्रधानमंत्री को वहाँ जाना पड़ा, आपकी भी गद्दी चली जाएगी। तो बीजेपी तो कह रही है कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान भी लंका बन जाए। कोई लोग नहीं, जो लोग परेशान है वो बहुसंख्यक लोग हैं, ये आर्थिक रूप से अल्पसंख्यकों का शासन है, जो अमीर लोग, जो अमीर वर्ण व्यवस्था, अपर क्लास और अपर कास्ट, विशेषकर अमीर, उसमें से वो चाहते हैं कि बीजेपी उनके हितों का काम करे, उनको भी ठग रही है, उनको भी नुकसान पहुंचा रही है, उनको समझ में आएगा मगर लेट, महंगाई क्या उनको नहीं मार पड़ रही है, बेरोजगारी उनको नहीं दिक्कत हो रहा है, बीमारी में वो लोग नहीं मर रहा है, अशिक्षा उनके परिवार समाज में नहीं आ रही, कौन सी चीज़ नहीं है जो प्रभावित नहीं, मगर वो एक गैर पेट्रोल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं 1000 रुपए पेट्रोल, बहुत कम लोग होंगे जिनको बीजेपी पैसा दे रही होगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। अच्छा, जो कह रहे हैं उनको बीजेपी पैसा दे रही है, दरअसल वही बात, क्योंकि 5000 रुपए में पेट्रोल भरा है, कौन सा इनकम ऑफ सोर्स है भाई, इसका मतलब है जनता की लूट का भी एक हिस्सा दे रहे हो जो अपने समर्थकों को दे रहे हो, तो 1000 रुपए पेट्रोल का समर्थन कर रहे हो, ऐसा कह रहे हो, कह रहे इनकम बढ़ी है, आप कह रहे इनकम नहीं, नहीं कौन सा इनकम बढ़ा, आपको पता है बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊपर में, मिडिल क्लास लोअर क्लास में ट्रांसफर हो गया 5 करोड़ लोग, तो ये सब चीज तो साफ। सर आप एक युवा है तो क्या लग, मैं तो सीरियस एप्लीकेंट, नौकरी नहीं है भाई, 10 नौकरी है और 10 लाख लोग है, और बोलोगे कि बाकी 9,99,990 लोग पीएचडी किया हूँ जिन्होंने, सर बेरोजगारी के लिए जा रही है, नीचे कंपटीशन है भाई, योग्यता नहीं, सरकार सबसे काबिल मन के बात कर ले और ले अपने अपने सब्जेक्ट, अगर योग्य नहीं सरकार का जो सबसे पढ़ा लिखा मंत्री है वो आके बात करें, मोदी साहब बात कर ले, अगर पढ़ाई बात है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते आपके लिए, वो तो आप लोग जानते हैं क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें, डरते हैं सवालों से, सवालों का जवाब नहीं है उनके पास, तो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए चुप्पी साधे रहते हैं। सर मोदी जी के शासनकाल में दलित और मुसलमान कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? ये तो दलित आदिवासियों और मुसलमानों को पता है, गरीबों को पता है, वो आज सो रहा है कल जगेगा, क्या होगा क्या नहीं पता, नहीं पता कब कौन किसको कहाँ मार दिया जाएगा, नहीं पता कब किस पर क्या हो जाएगा। मैं एक बहुत छोटी सी घटना बोल के बात, मध्य प्रदेश में लड़का लड़की बालिग थे, मोहब्बत करते थे, घर से चले गए, उनका घर तोड़ दिया गया, मतलब कौन सा गुनाह किया, मतलब बालिग लोग अपने मर्जी से शादी नहीं कर सकते हैं क्या, कौन सा बर्बर समाज लाना चाह रहे हो, सोचो उन घर वालों का, उनका क्या गुनाह है भाई, उसके बाप को उस लड़के की जगह थाने में बैठा हुआ, मध्य प्रदेश की पुलिस की बात, BBC ने उसको कवर किया, बहुत कम चैनल और साइट्स हैं जो इस तरह की खबरें दिखाए, अब उसका मनोविज्ञान आप समझोगे, वो क्या सोच रहा हो, क्या उस पर बीत रही हो उसके पूरे परिवार, तो इस तरीके का हमने समाज बना दिया, और ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बुलडोजर चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? बुलडोजर तो साफ है कि गरीबों के खिलाफ है, बुलडोजर क्यों है, बुलडोजर के बारे में दो ही चीज है, जो मध्य उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक विरोधियों को टारगेट किया गया, दिल्ली में भी MCT का चुनाव है जी, और बोलेंगे कि सारा अवैध जी काम
मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों ने घेरा। एक तो ये मुसलमानों को हम ठीक कर रहे थे, कुछ मुस्लिम समर्थक पार्टी आम आदमी पार्टी टाइप केजरीवाल वो कांग्रेस आ गया उनको बचाने के लिए, इसलिए हमको वोट दो हम इनको ठीक करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल, बिल्डोजर से रेडी पट्टी को हटाना है, क्यों? क्योंकि अंडानी अम्बानी जैसे तमाम स्टोरेज हैं यहाँ पर, जो सामान बेचते हैं रेड़ी पट्टी पर हट जाएगा तो लोग उन्हीं के स्टोरेज में खरीदने जाएंगे, उनसे चंदा लेते हैं, उनके प्रति वफादार है, उनके लिए ये बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए बुलडोजर गरीब विरोधी है, अमीरों के पक्ष में। कि जहां झोपड़ी वही मकान, भाई अब देख ही लिए 8 साल में कितना झोपड़ी की जगह मकान बना दिए ये लोग, कितना बनाएंगे, जो वादे हैं एक भी वादा पूरा किया। अपोजिशन में रहते हैं सब नेता अच्छे लगते हैं, सत्ता पक्ष में आके वही करते हैं जो उस समय की सत्ता कर रही। मोदी जी खुद अपने विरोधी हैं, 2014 के पहले के मोदी जी के भाषण अगर आप निकाल के देखिएगा और उसके बाद आज के भाषण देखिएगा, तो विरोधी एक मोदी खुद मोदी का आलोचना कर, दोनों मोदियों का साथ में लगा लीजिए, 2014 के पहले का मोदी और 2014 के बाद का मोदी, खुद एक मोदी दूसरे मोदी का, देश का माहौल भी अलग बताएंगे 2014 के पहले और अब के। ये लोगों का धार्मिक राजनीति का मुख्य एजेंडा है धार्मिक उन्माद फैलाना, उस पर कुर्सी बनाना, उस पर सत्ता लाना, ये उस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बना तो नहीं पाएंगे, मगर वो धीमी खिचड़ी पर आग, धीमी आग पर खिचड़ी पकाना चाहते हैं, लोग इसमें उलझा रहे हैं, बहस करता रहे, इसी आधार पर वोट करो, उनकी कुर्सी फिर दोबारा आ जाए, ये है मेन मैटर, कितना कर पाएंगे हमको नहीं पता। थैंक यू।